नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबनों स्वागत छे सेवक एजुकेशन में। आज धोरण 10 चैप्टर 8 में स्वाध्याय 8.1 જોવાનું છે। तो જોઈએ प्रश्न नंबर 6। खूणो ए અને बी એવા લઘુકોણ છે જેથી કોસ એ બરાબર કોસ બી, તો સાબિત કરો કે ખૂણો એ બરાબર બી। તો કે એ અને બી લઘુકોણ છે એટલે કે 90 નો ખૂણો બનાવો, તો એ અને બી 90 ના હોય નહીં, તો વધે કયો ખૂણો સી, તેથી ખૂણો સી કેટલાનો થઈ ગયો 90। હવે तो के कोस ए बराबर कोस बी आपेलू है, सौ प्रथम कोस ए नी किंमत मेरी लीए, ए बिंदुए थी जो तो कोस माटे सूत्र शू थाय, पासेनी बाजू छेद में कर्ण, पासेनी बाजू ए सी, कर्ण बी, कर्ण शू है ए बी, तो शू थाय ए सी ना छेद में ए बी। बीजू बी बिंदुए थी जो तो कोस बी माटे पासेनी बाजू बी सी, कर्ण ए बी, बी सी ना छेद में ए बी, बन्ने सरखा है तो कोस ए बराबर कोस बी, तो तेनी किंमत पण सरखावी दो, ए सी ना छेद में ए बी बराबर बी सी ना छेद में ए बी, ए बी ए बी सरखे सरखू कैंसल, तो वधु हूँ ए सी बराबर बी सी, जे बे बाजू सरखी तेना सामेना खूणा सरखा, ए सी नो सामेनो खूणो बी अने बी सी नो सामेनो खूणो ए, तेथी खूणो ए बराबर खूणो बी थई गयो साबित के खूणो ए बराबर खूणो बी। प्रश्न नंबर 7, जो कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो एक 1+sin θ बीजा काउंस में 1-sin θ छेद में 1+cos θ बीजा काउंस में 1-cos θ शोधवानू छे, अने बीजू कोट स्क्वेर थीटा नी किंमत शोधवानी छे। तो सौ प्रथम थीटा बराबर ए धारी लो, एनो मतलब के ए 90 नो बनशे नहीं, तो त्रिकोण ए बी सी में खूणो बी 90 नो बनावी दईए। हवे ए बिंदुए थी जाओ तो कोट माटे सूत्र शू छे, पासेनी बाजू ए बी छेद में सामेनी बाजू बी सी, तो ए बीना छेद में बी सी, कोटनी किंमत 7/8। अहीं क्रॉस कर दो, 7 ए बीना छेद में आ जाए और बी सी क्या आई जैसे अंश में क्रॉस कर दीधा, तो ए बीना छेद में 7 बराबर बी सी ना छेद में 8 बराबर के। हवे 7 भांगाकार पहली साइड जाए तो गुणाकार, तो के ए बी बराबर 7 के अने बी सी बराबर 8 के, अँ ए बी और बी सी की किंमत मिली गई। हवे मारे तीजी बाजू कई वे ए सी, ए सी की किंमत शोधी, तो शूँ मूकव पड़े पायथागोरस प्रमेय, खूणों बी 90 है एट्ले कर्ण शू थे ए सी, तो पायथागोरस प्रमेय मूकूँ, कर्णनो वर्ग बराबर काटकोण बनावती बे बाजूना वर्गनो सरवाळो, ए सी नो वर्ग बराबर ए बी वर्ग वत्ता बी सी वर्ग, ए बी के 7 के, बी सी 8 के, 7 के नो वर्ग प्लस 8 के नो वर्ग, 7 नो वर्ग 49 के स्क्वेर, 8 नो वर्ग 64 के स्क्वेर, सरवाळो करो 113 के नो स्क्वेर। हवे वर्गमूल काटू तो 113 नो वर्गमूल, वर्गमूल में 113 के नो वर्गमूल के स्क्वेर नो वर्गमूल के, तो ए सी बराबर वर्गमूल में 113 के। हवे तो के पहलू, पहला काउंस में 1+sin θ, बीजा काउंस में 1-sin θ, छेद में 1+cos θ, 1-cos θ बराबर, ए किंमत शोधवानी छे, एक वक्त प्लस एक वक्त माइनस, तो लखी शकूँ 1-sin²θ, 1-cos²θ। साइन माटे सूत्र शू थाय, तो आपणे ए बिंदुए थी जोईए, तो ए बिंदुए थी जोईए, अहीं ए बिंदुए थी जोईए तो साइन माटे आपणने क्यूँ सूत्र मळशे, सामेनी बाजू छेद में कर्ण, तो सामेनी बाजू बी सी, कर्ण ए सी, सेम तेज माटे कोस माटे पासेनी बाजू छेद में कर्ण, पासेनी बाजू ए बी छेद में कर्ण ए सी। हवे तो आपणने बी सी केटलो मळे छे 8 के, तो के 8 के मूकी दीधो, ए सी केटलो मेळ्यो वर्गमूळ में 113 के आखानो वर्ग, ए बी केटलो मेळ्यो 7 के, ए सी केटलो मेळ्यो वर्गमूळ में 113 के आखानो वर्ग। હવે કે કેન્સલ, 8 વર્ગ 64, વર્ગમૂળમાં 113 વર્ગ 113, 7 વર્ગ 49, વર્ગમૂળમાં 113 વર્ગ 113, લસા લેવા આને 113 વડે ગુણી દઉં તો 113 એકા 113, તો થઈ ગયું 113-64 આખાના છેદમાં 113, સેમ તે જ રીતે લસા લેવા આને 113 વડે ગુણી દઉં 113 એકા 113, તો કે 113-49 આખાના છેદમાં 113, અંશનો છેદ અને છેદનો છેદ કેન્સલ એટલે 113-113 કેન્સલ, 113માંથી 64 જાય તો 49 અને 113માંથી 49 જાય તો 64, આ પહેલી કિંમત મળી ગઈ। બીજું હું શોધવાનું છે કોટ સ્ક્વેર થીટા, કોટની કિંમત કેટલી હતી 7/8, 7નો વર્ગ 49, 8નો વર્ગ 64, તો બંને કિંમત મળી ગઈ। જો વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો।